जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अपने चैनल में एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं इस सीरीज़ को पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब मैंने 3 ही वीडियोस अपलोड किया था। इस सीरीज़ का नाम है न्यूज़ अपडेट। मतलब रेगुलर मैं आप लोगों को टेक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, जो हॉट टॉपिक्स है, वो सब आप लोगों को बताऊँगा मैं इस सीरीज़ के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ निकल के आता है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का एक नया 5G फ़ोन, वन प्लस नॉट सी 5G, इस फोन का प्राइस लीक हो चुका है और इसके बारे में ट्वीट किया है मुकुल शर्मा ने। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो 5G ये फ़ोन है वन प्लस, इसका प्राइस यहाँ पर लिखा है 23,000। और ये जब लॉन्च होगा उसके बाद 11 जून से लेकर 15 जून के अंदर आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। ये 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सो ये फ़ोन आप 5G फ़ोन अगर लेने के सोच रहे हो तो ये फ़ोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इसमें जो प्रोसेसर लगा होगा वो स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर है। तो अगर आप 5G फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो, अभी उतना मार्केट में मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर 5G फ़ोन तो बहुत कम है, लेकिन OnePlus एक ब्रांडेड कंपनी है और इसमें जो UI मिलता है वो बहुत ही बढ़िया UI मिलता है। मतलब जितने भी कस्टम UI है, सभी से बढ़िया UI इस फ़ोन में है। तो आप इस फ़ोन को लेने के बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पर जो अगला न्यूज़ अपडेट है, ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि सैमसंग का जो फ़ोन है सैमसंग M21, इसका एक अलग वर्जन आ रहा है, सैमसंग M21 प्राइम एडिशन। इससे पहले सैमसंग का सैमसंग M31 का प्राइम एडिशन निकला था पिछले साल, और इस साल सैमसंग M21 का प्राइम एडिशन लॉन्च होने वाला है। लेकिन आप लोग उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो मतलब स्पेसिफिकेशन होगा, प्रोसेसर या फिर बैटरी, जैसे M21 में था वैसे ही होगा। एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी, कैमरा भी वही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब बहुत ही थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। तो पहले लॉन्च होने दो, उसके बाद देखेंगे क्या स्पेसिफिकेशन है। और सबसे बड़ा चेंज है एंड्रॉयड वर्जन का। जो M21 है वो पिछले साल लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 10 के साथ, और ये लॉन्च होगा एंड्रॉयड 11 के साथ। मतलब M सीरीज़ के फ़ोन्स पे जो दो मेजर अपडेट मिलेगा, मतलब इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 13 तक का अपडेट मिल सकता है, मतलब मिलेगा। और यहाँ पर अगला अपडेट है जियो और लाइव फ़ोन के ऊपर। मतलब मुकुल शर्मा ने और एक ट्वीट किया है जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जियो और लाइव फ़ोन का एक नया फ़ोन इंडियन BIS सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है। और ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये 5G फ़ोन हो सकता है। कुछ दिन पहले ऐसा र्यूमर आ रहा था कि जियो फ़ोन एक 5G बहुत ही मतलब कम दाम में 5G फ़ोन लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द। तो बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये 5G फ़ोन हो सकता है। तो पहले इस फ़ोन को आ जाने दो। अगर ये 5G फ़ोन होगा तो मैं आप लोग को कोई अगले न्यूज़ अपडेट वाले वीडियो में अपडेट कर दूँगा। अगला अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आपको देखने को मिल सकता है। आप जब व्हाट्सएप पर लॉगिन करते हो तब आपका OTP या फिर एक कॉल के थ्रू, मतलब कॉल में OTP बोलते हैं, तो उस OTP के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो सिर्फ। लेकिन इस बार एक फ्लैश कॉल का फीचर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब जब लॉगिन करने जाओगे तो जिस फ़ोन नंबर आप वहाँ पर डालोगे वहाँ पर एक फ्लैश कॉल आएगा, और उसी कॉल मतलब उसी कॉल के थ्रू वो वेरीफाई भी हो जाएगा, कोई OTP नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक फ़ीचर होगा मुझे लगता है। तो पहले आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। बहुत से एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये फीचर तो ऑलरेडी है लेकिन सही से वर्क नहीं करता, तो देखते हैं व्हाट्सएप में कैसे वर्क करता है। तो आज के टेक अपडेट का लास्ट जो अपडेट है ये है इन्फिनिक्स का एक नया फ़ोन लॉन्च हो चुका है आज। वैसे दो फ़ोन लॉन्च हुआ है, एक है नोट 10 और नोट 10 प्रो। सो नोट 10 जो है, मैं बता दूं, इसका जो 4 और 64GB वाला वेरियंट है वो है 11,000 रुपीज़, 6 128GB का प्राइस है 12,000 रुपीज़, और जो नोट 10 प्रो है वो 8GB 128GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस है 17,000 रुपीज़। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जो नोट 10 है वो कुछ शाओमी नोट 10 जैसा फील दे रहा है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? अगर हाँ तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अगर आप टेक अपडेट्स जल्दी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं कोशिश करूँगा हर दिन आपको टेक अपडेट दूँ। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर चलो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।